क्योंकि एक ऐसा पवित्र स्थान है। कहते हैं इंसान के कितनी आंखें होती हैं, लेकिन भगवान के दो ही आंखें होती हैं। लेकिन इंसान की लाठी में गांठ होती है, लेकिन भगवान की लाठी में कोई गांठ नहीं होती है। जब बुरा समय आता है, भगवान सबको देखता है कि मेरे दरबार में अच्छा और बुरा कौन क्या करता है। आइए कहते हैं जहां सत्का दरबार लगा हो, जहां सत्का दरबार लगा हो वहां झोली भरने में देर नहीं लगती है। क्योंकि कहते हैं कि सत्की नैया कदे न डूबे, खेने वाला चाहिए रे, और कौन कहे बाबा ना दे, कोई लेने वाला चाहिए। आइए यहां पर आप बैठे हैं, क्योंकि कहते हैं कि गाने वालों में फर्क होता है तान और बेतान का, और सुनने वालों में फर्क होता है ज्ञान और बेज्ञान का। सभी ज्ञानी लोग बैठे हैं, ये तो मैं भी जानता हूं कि यहाँ के जो नौजवान है कुछ चटपटे हैं, लेकिन ये मेरा वादा है चाहे कल के 10 बज जाए, लेकिन जब तक आप लोगों का पेट नहीं भर जाएगा, एक टीम सारी रात ही बजती रहेगी। लेकिन आप लोग सभी को सुने, पहला नंबर है भगवान का वास हर परिवार में होता है। जब सुबह का सूरज निकलता है और जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले गूंगा पैदा होता है, अपने माँ बाप की कृपा से दुनिया में नाम कमाता है। चाहे कितने भी तीर्थयात्रा जाओ, हरिद्वार जाओ, भोलेनाथ की कांवर लेके आओ, कितने भंडारे लगाओ, कितने भी दान करो, लेकिन ऐसे भंडारे लगाने से और ऐसे दान करने से कोई फायदा नहीं है जो अपने बूढ़े माँ बाप को एक वक्त की रोटी ना दे सके। आइए इस भजन को सुनिएगा के बाबा देने के लिए तैयार है, झोली भरवाने के लिए तैयार है, लेकिन आप थोड़ी बात सुने तो सही। आइए सुनेगा और क्या बता दिया आपने। आइए सबसे पहले जो गोगा जी महाराज को मानते हैं, जहावीर गोगा जी को मानते हैं, जो सच्चे मन से धाम के अंदर बैठे हैं, एक बार दोनों हाथ ठाके सभी पहले एक जयकारा लगा दे। पीछे तक जितनी जनसंख्या यहां पर बैठी है, अगर दो हाथ दिए तो दोनों हाथ तो उठा दो एक बार कम से कम बाबा के दरबार में। आप लोग आप भी दोनों हाथ ठाके एक जयकारा लगा दीजिए जो सच्चे बाबा के भक्त हैं। आइए बोलिए गोगा जी महाराज की। और कहना क्या, हेरे सत की नैया कदे न डूबे, हेरे सत की नैया कदे न डूबे, अरे कोई खेने वाला चाहिए रे, अरे कौन कहे पापा ना दे, कोई लेने वाला चाहिए रे, कोई लेने वाला चाहिए रे। और कहते हैं क्या, हेरे सत की नैया कदे न डूबे, खेने वाला चाहिए रे, अरे कौन कहे बाबा ना दे, कोई लेने वाला चाहिए रे, कोई लेने वाला चाहिए रे। और पहली बात कौन कहे गुलशन ना खिलता, अरे कौन कहे गुलशन ना खिलता, कौन कहे गुलशन ना खिलता, सच्चा मालिक चाहिए रे, कौन कहे अन्न पैदा ना हो, कौन कहे अन्न पैदा ना हो, सच्चा हाली चाहिए रे, कोई सच्चा हाली चाहिए रे, कोई कौन कहे सुख ना आता, कौन कहे सुख ना आता, दुख सहने वाला चाहिए रे, अरे कौन कहे बाबा ना दे, कोई लेने वाला चाहिए रे, कोई लेने वाला चाहिए रे। और आइए हमारे दादा, आइए श्री राम यादव जी इस भजन पे खुश होकर के मेरे लिए 100 रुपए मान सम्मान में करते हैं, लेकिन मेरे लिए 100 रुपए नहीं है, मेरे लिए 100 लाख के बराबर है। जो कलाकार का मान सम्मान करना जानते हैं, भगवान उनका मान सम्मान स्वयं करते हैं। और दूसरी बात को गौर से सुनेगा क्या बता दी,
कुछ लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी भारी है, मुझे जीना नहीं है। कौन कहे जिंदगी भारी, कौन कहे जिंदगी भारी, कोई जीने वाला चाहिए रे। अरे कौन कहे बिस्कड़ वाला के, अरे कौन कहे जहर कड़वा लागे, कौन कहे बिस्कड़ वाला के पीने वाला चाहिए रे, कोई पीने वाला चाहिए रे, कोई पीने वाला चाहिए रे। कौन कहे सच नहीं जगत में, कौन कहे सच नहीं जगत में, कहने वाला चाहिए रे। अरे कौन कहे बाबा ना दे, कोई लेने वाला चाहिए रे, कोई लेने वाला चाहिए रे। कौन कहे भव सागर गहरा, कौन कहे भव सागर गहरा, तैरने वाला चाहिए रे। अरे कौन कहे बाबा ना दे, कोई लेने वाला चाहिए रे, कोई लेने वाला चाहिए रे। गौतम भाटी गुरु की सेवा,